एक टेंशन हो तो मैं बताऊं, तंग आ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं क्यों होंगे। तो जैसे मैं बता दूं कि मैं वापस आ चुकी हूं, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सीरीज़ आप लोगों ने देखी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। कमेंट का मैं वेट करती रहती हूं और आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। खैर चलो मैं बता क्या दूँ, आप देख ही सकते हो मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और आते ही आते हम लोगों को मिला है गंदा घर, तो हम लोगों ने आते ही आते हम लोगों ने फिर सफाई में लगी खूब, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, माने इतनी हमको, मुझे लग रहा है कि हम लोग जब नहीं थे तो आंधी आई थी, तो इसलिए शायद पूरे घर में ऊपर छत वत सब पूरी प्लांट्स वगैरह तो खैर सूख गए थे और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आई हुई थी ना कि मतलब सफाई करवाते करवाते खुद भी करते करते हालत ख़राब हो गई। खैर फिलहाल अब तो बैक टू नॉर्मल सब कुछ आ चुका है और अभी समय लाइट नहीं आ रही, इसीलिए शायद आप लोगों को वीडियो में लाइट कम लग रही होगी, तो आ जाएगी थोड़ी देर में। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, मैं निकल रही हूँ घर के लिए, थोड़ा सामान वामान लूँ, सब्जी वब्जी लेनी है थोड़ी लूँगी क्योंकि अभी फिर मुझे कल परसों में निकलना है। अब मैं फिर से जा रही हूँ बनारस, कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ, ऐसा कुछ घूमने उमने नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं लूँगी, थोड़ा ही लूँगी, लेकिन लेना तो पड़ेगा क्योंकि आई हूँ, पहले खाली करके गई थी, सब सामान तो चाहिए तो रहता ही है थोड़ा बहुत सामान। और इस बार ज़्यादा लंबा नहीं जा रही हूँ, शायद 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो सामान पड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल निकल रही हूँ और मिलती हूँ आपसे बाहर, सब्जी वब्जी ले लूँ, थोड़ा बहुत फल ले लूँ, फल थोड़ा ही बहुत, ये एप्पल और केला, तो आजकल गैस जैसे ही लो वैसे ही ख़राब हो रहा है, तो केला तो मैं नहीं लूँगी। हाँ बाकी और फ्रूट्स वगैरह लेके आती हूँ, नए नए आ गए, मैंगो आ गया है, वाटरमेलन आ गया है, मेरे सारे फेवरेट जितने फ्रूट्स हैं ना वो सब इसी गर्मियों में ही आते हैं। मैंगो मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है और तरबूज खरबूजा सब मेरे फेवरेट है, बट ये ज़्यादा दिनों तक, ये तीनों फ्रूट्स ऐसे हैं कि बस कुछ ही दिन आते हैं, तो और बाकी एप्पल बनाना जो पूरे साल आते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अब अपने फेवरेट फ्रूट्स लेने। आप हमने बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छा मतलब आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो देखती हूँ मेरे पसंद और आपका पसंद किसकी किसकी मैच करती है, तो कमेंट मत भूलना करना, ज़रूर करना कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो फटाफट चलो मैं बाहर जाती हूँ, सामान वामान लेती हूँ, फिर जाऊँगी बेटी को लेने, फिर आऊँगी और कुछ थोड़ा टेलर के यहाँ भी काम है अभी करती हूँ या बाद में करती हूँ, देखती हूँ। धूप इतनी ज़्यादा तेज है ना कि कल भी मैं निकली बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं गाड़ी से उतरूँ और सब्जी लेने के लिए घंटा भर खड़ी रहूँ, मैं भागी, मैंने कहा मैं जैसे तैसे पनीर बना लूँगी या बाहर से मंगा के खा लूँगी, इसीलिए रात में बाहर से मंगा के खाया, तो ना बाबा मुझसे नहीं हुआ। तो आज भी मैं ट्राई कर रही हूँ, जा रही हूँ, उतर पाई तो ठीक, नहीं तो शाम को फिर से निकलूँगी, तब लेके आऊँगी, ठंडे ठंडे जाऊँगी तब। तो फिलहाल निकल रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है, ट्राई करती हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ दीदी के पास टेलर के लिए कि भाई अपना कपड़े वपड़े देने के लिए, मैंने दे दिया ये वाला सूट बनने के लिए, और अब देखो बन के आता है कैसा लगता है, कैसा दिखता है, दीदी बनाती हूँ। ओ नाप देना पड़ेगा, आज हम शर्ट भी पहन लिया, फिर बाद में याद आया कि मैं तो नाप देंगे कैसे। तो छोटी वाली स्लीव्स निकालिएगा। छोटे लेना फिर दो लाल पीला और क्या लेना, वो हरा पत्ता भी लेना, नहीं नहीं पत्ता आगे देख लो फिर क्या लेना।
चुकी हूँ और मैं सब्जी वगैरह सब देखो ले आई हूँ, सब लाके यहीं पे रख दिया है। अब लगाऊंगी थोड़ी देर बाद ले, क्योंकि अभी तो बस आई हूँ। सबको खाना वाना दे दिया है, खाना भी खा भी लिया है मैंने। और मैंगो लाई थी, ये देखो गाइस 3 आम मिले हैं केवल 1 किलो आम में, और वो भी 150 रुपये। आम का दाम एकदम सोने की तरह चल रहा है। 3 आम सड़े हैं केवल, बहुत बड़े भी नहीं हैं कुछ नहीं उनको, लेकिन मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि गर्म होता है ना तो पिंपल वगैरह मुंह में दाने वगैरह बहुत निकल आते हैं। तो कभी भी आम हो ना पानी में भिगा के 2 घंटा 3 घंटा जितना भी पॉसिबल हो, तो आम को ना हमेशा भिगा कर ही रखें और तब ही खाया करो, नहीं तो पेट भी गर्म होने लगता है कहते हैं, और दाने तो खैर निकल ही आते हैं। तो फिलहाल अभी तो सब काम हो चुका है, खाना भगवान को भोग भी लगा दिया, हम लोग भी खा चुके हैं, सब्जी अभी लगाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए लेटूंगी, क्योंकि घर का सब क्लीन कर दिया है, किचन विचन सब क्लियर कर दिया है, आम को पानी में भिगा दिया है, सब्जी ऐसी अभी तो देखो बैग रखा हुआ है आपको दिखा दिया है, शाम को हाँ लगा दूंगी पक्का, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर उठती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ चाय पे। तो गाइस मैं सोके उठ गई हूँ और 5:10 हो चुका है, और 5 बजे बेटी का क्लास है, और तब से वो उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं जो उसे लेके जाती है और लेके आती है, बट वो आई नहीं है। 5 मिनट से वेट कर रहे हैं, 5:05 में हम लोग उठ गए थे, सब कुछ हो गया था, तो वो भी रेडी है, बिक्स वगैरह सब लेके, बट वही है ना कि वो आई नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे को जाना पड़ेगा, तो मुझे तो बंद करके जाना पड़ेगा घर। बड़ा प्रॉब्लम होता है यार कि टाइम से कोई आता नहीं है, तो फिर तो निकल रही हूँ बस उसको लेके, फिर रास्ते में आपसे मिलती हूँ। तो पहले ना छोड़ के आती हूँ, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस लॉक कर चुकी थी, उसके बाद वो लड़की आ गई फाइनली, तो फिर अब उसी के साथ भेजा है, दोनों ही काम हो गए, पूरा काम वही तामझाम करना पड़ा, लॉक करना पड़ा, सब करना पड़ा, फिर उसके बाद फिर खोला, फिर वही बड़ा दिक्कत होती है यार किसी का भी। और मेरे को क्या लग रहा था ना कि मैं छोड़ने तो चली जाऊँ, ठीक है मैं चली जाती हूँ, क्योंकि भाई अब पढ़ाई है तो ट्यूशन है, बेटी का सब तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं 5 मिनट के लिए उसको छोड़ने जाती ना, 5 बजे चल के पहले जाऊंगी फिर आऊंगी, यार टाइम 5 नहीं, बोलने को 5 मिनट लगता है, बट आने में 10 मिनट तो उसी पीछे से उतनी ही 5-10 मिनट में ये आ जाती। और ये इसे पता है कि इसे छोड़ने जाना है, अगर मैं नहीं आई तो भाभी जाएंगी, और अगर मैं नहीं यहाँ मिलती और इसे लॉक मिलता ये फौरन भाग जाती, ऐसे होता है यहाँ पे। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अब उसे छोड़ने जाऊँ कि मैं इसका वेट करूँ, और ये एक बार ये निकल गई ना, बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे सब्जी ला के रखी हुई है, मैं सोच रही उसी से कहूँगी सब्जी लगा देगी, ऊपर छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, ला के तहाने हैं, ये करना है वो करना, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ शाम को, और ये एक बार निकल गई उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं वेट करेगी कि भाभी यहीं दीदी को छोड़ने गई होंगी आ रही होंगी ना, ये लोग नहीं वेट करते, हम लोग वेट करते हैं, ये लोग वेट नहीं करती हैं। तो ये सबसे बड़ा आज का वर्ल्ड का प्रॉब्लम हो चुका है कि ये लोग बिल्कुल भी, कितना भी इन लोगों का कर लो यार, ये लोग बिल्कुल अपनी नहीं होती हैं। खैर फिलहाल अभी तो गई हैं, बेटी को छोड़ दी है, छोड़ने गई है, अब देखती हूँ, अब इस समय आई हैं जब लेने जाने का होगा, तो अब मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, तो अभी उस समय भी एक बार तमाशा होगा, आते समय तो होता है छोड़ने टाइम पे, लेने जाने के टाइम पे भी रोज मेरे घर में होता है। आज अगर होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी, मुझे लेट हो रहा है, दीदी का क्लास अभी छूटा नहीं, दीदी का यही होगा, अभी देखना मैं अब कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढती हूँ। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आज आप लोगों को बता दूं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं उधर कि बेटी के हाथ अब कैसा है क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं लेटेस्ट अपडेट ये है कि उसका हाथ अब पहले से बेटर है, छाला वाला उतना ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि इंस्टेंट हम लोगों ने अपने बैग से वो कोलगेट निकाल के, टूथपेस्ट जो होता है ना वो हम लोगों ने उसके हाथ में तुरंत पूरा एक पाउच पेस्ट का पूरा एक उसको लगा दिया था, और ये क्या गिरा हुआ मेरा, तो उससे क्या हुआ ना कि उसका हाथ एकदम अभी बेटर है, कोई भी छाला एक भी नहीं पड़ा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अभी। बताओ पड़ा कुछ छाला नहीं है, सच बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इधर एक था वो फट भी गया, उसमें से पानी हो भी गया, निकल भी गया, सब पानी का क्या किया, पी लिया
बोतल में भर के रखा तुम्हारे लिए। हम क्या करेंगे, तुम्हारा है तुम रखो। नया अपडेट है कि मुझे जुकाम है। लो हाथ से जुकाम में आ। थैंक यू सो मच, इतना आप लोगों का कंसर्न, इतना आप लोगों ने चिंता दिखाई, इतने उसको पूछा। तो मैं सोचा था कि मैं व्लॉग में बता तो दूंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, तो यही मैंने कहा कि चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ। अब बैठती हूँ, अब अभी फुर्सत में थी तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। और आज ये भी बता दूँ कि मैं कल सुबह निकल रही हूँ वाराणसी बनारस के लिए। मैंने कल भी बताया था, लाइव में भी शायद बताया था किसी ने, आप किसी को याद होगा कि नहीं होगा, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि बनारस जा रही हूँ यही फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए, संडे की रात तक आ जाऊँगी। और वही होटल हमारा, तो वही होटल बंधा हुआ है श्री गणेशा, वहीं पे मिलूँगी आप लोगों से। बनारस का कोई हो तो आके ज़रूर मिलो, लेकिन कोई मिलता नहीं है, गर्मी इतनी है, किसके पास इतना टाइम है कि कोई मिलता है या नहीं मिलता है। खैर छोड़ो, मैं मुझे जो काम है वो मैं अपने काम से जा रही हूँ थोड़ा। और पैकिंग की बात अगर मैं करूं तो पैकिंग तो अभी ज़ीरो हुई है, और हो गया है शाम का टाइम, और कल सुबह सुबह अर्ली निकलना है। करूं तो करूं क्या यार, घर का काम करूं, पैकिंग करूं, स्कूल भेजूं, कोचिंग भेजूं, ये करूं, अपना कुछ नहीं कर पाती कि कुछ भी कर पाऊँ। ऊपर से अभी जिस ट्रिप से अभी आई हूँ उसी दिन में दो दो तीन तीन बार वॉशिंग मशीन चल रही है यार, इतने ज़्यादा कपड़े कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी जाके फुल एंड फाइनल अगर कपड़े मैं कहूँ तो अनपैक होके धुल के आयरन होके आए हैं, एक अभी भी बैग, मतलब बैग क्या उसे कपड़े में बांध के क्या बोलते हैं, गठरी टाइप अभी भी है, उसका वेट किया जा रहा है कि भाई ले जाओ, उसका पता ठिकाना नहीं है। वो भी अपने में बिजी रहता है यार, अभी पता नहीं कहाँ रहता है, जो भी है, फोन दिन में दो दो तीन तीन बार उसको होते हैं कि भाई आके ले जाओ, खैर वो सुनता नहीं है। और अब कल फिर से कल के लिए पैकिंग करो, आज फिर से, तो वही है ना, बड़ा झंझट हो जाता है। ऊपर से फिर अभी सुबह का खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, रात का डिनर बनाओ, उसी बीच में मुझे अपने वीडियोस भी अपलोड करने होते हैं, मुझे अपना वीडियो भी बनाना होता है, शाम की सुबह की पूजा है, शाम की पूजा है, इन सब के मतलब एक रूटीन है, उसी में आपको एक दो काम और आप ऐड करना चाहो ना तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और अभी तो मैं ये भी नहीं कर पाई थी कि मैं जितना शॉपिंग का सामान लेके आई थी मैं वो भी नहीं दिखा पाई हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। मैं मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ। बस एक वो फ़ैन मैंने ज़रूर, हाँ आप लोगों को दिखा दिया था कि मैं एक वो पोर्टेबल छोटा वाला प्लास्टिक वाला फ़ैन लेके आई हूँ, जिसका ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, एक जन ने बोल दिया है कि उसको चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं उसे दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते तो इतना भौंक रहे हैं यार, तो क्या ही दिखाऊँ मैं शॉपिंग। अब एक काम करती हूँ, जितने भी मैं सामान लाई हूँ ना, मैं फिर से उसको रख लेती हूँ, अपनी पैकिंग में ही रख लूँगी, और वहाँ जाके अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और नेक्स्ट टाइम से मैं अब यही करने वाली हूँ कि अगर मैं ट्रिप में कहीं गई और मैंने वहाँ पे शॉपिंग करी तो मैं वहीं का वहीं आप लोगों को शॉपिंग का सामान का पूरा जितना हॉल है, मतलब शॉपिंग हॉल जितना भी सामान मैंने लिया ना, वो मैं वहीं पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगी। मैं बाद का नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं इधर देख रही हूँ कि मैं आके फिर वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, सामान सारा ऐसे या तो कई कई दिन तक यहाँ बेड पे पड़ा हुआ रहता है कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, मुझे अभी वीडियो बनाना है, और फिर उसके बाद वो हट जाता है, सबके अपने अपने सामान अलमारी में चल जाता है, इसने जो लिया वो अपना ले लेती है, इन्होंने जो लिया मैंने जो लिया सब अपने अपने अलमारी में सेट कर देते हैं, वो वीडियो बन ही नहीं पाता। उतनी ज़्यादा तो देखो प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही शायद कभी हो पाऊँगी, क्योंकि घर एक देखना और एक प्रोफेशनल वीडियो मना दोनों मैच नहीं करता, मेरा प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि कुछ खैर छोड़ो, जो भी है पैकिंग करती हूँ थोड़ा। अभी बेटी गई हुई है कोचिंग, आ जाती है, एक ही बार में लगते हैं दोनों जन, फटाफट कर लेते हैं पैकिंग, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलना है, क्योंकि तो खैर हो तो जाएगी पैकिंग, दो दिन के लिए क्या ही पैकिंग करना है, एक बहन के कपड़े जाने हैं और दो रखने हैं, एक दो एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कि कभी बाई चांस सुबह शाम बदलना पड़ गया। एक टेंशन हो तो मैं बताऊँ, हजार होती हैं यार, किस किस की बात करूँ, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। मतलब एक ट्रिप से अभी आई, दूसरी ट्रिप में अभी फिर से जाओ, पिछली ट्रिप का अभी सब कुछ क्लियरेंस हुआ नहीं है, दूसरी ट्रिप की फिर से तैयारी, अब जब बड़ी मुश्किल से घर इतना
साफ कराया गया है, कराया गया है, करते 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 3 दिन लग गए यार, एकदम कमर टूट गई। फिर से ट्रिप, फिर से बाहर जाओ, फिर यही, फिर आएंगे, फिर वही गंदा। तंग आ चुकी हूँ। तो गाइस, हम लोग की पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये हो गया मेरा बैग रेडी, बस सुबह का थोड़ा बहुत जो मतलब आइटम होता है ना, वही सब रखने हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। बाल मेरे एक बार ख़राब हो चुके, कल करे हैं मैंने, लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार आयरन वही स्ट्रेटनिंग मतलब लगा के मुझे करना पड़ेगा। अभी मैं बेटी का करके आ रही हूँ, अभी अभी वो कोचिंग से आई तो उसने बोला आज मैंने शैम्पू किया मेरा वो कर दो, तो मैंने उसका फिर किया। बाकी सुबह के भी कपड़े निकालने हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो तो मैं आपको सुबह ही दिखाऊंगी जब रेडी हो जाऊंगी। तो बाकी बेटी के थोड़े से कपड़े फैले हैं, वो अभी नहीं लगाई है, वो लगाएगी आके। मेरा ऑलमोस्ट डन है, बस सुबह का टूथब्रश जैसे रखना है, चार्जर रात में क्योंकि फ़ोन चार्ज करने में लगाऊंगी, और चार्जर रखना है, बस इतना ही मेरा, तो इतना ही ये सब चीज़ें हैं, ये सुबह हो जाएंगी। जूते लाइन से यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लेके जाऊँ, कौन सा पहन के जाऊँ। पहनना तो गाड़ी में ही, देखो बैठना कुछ भी पहन के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लिए एक दो देखना पड़ेगा, और इतनी सारी मैं नई लेके आई थी करीबन, और आपको एक भी नहीं दिखा पाई, देखो तो कैसा मेरा वो है ना। अब निकालती हूँ, देखती हूँ उसी में से कुछ लेके जाऊंगी, उसी बहाने आपको दिखा भी देती हूँ। तो गाइस यही थी मेरी जूतियों का कलेक्शन, और एक मिल नहीं रही थी तो अब वो बाद में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि टोटल हम लोग लाए थे 7, और 2 हम लोगों ने वहीं पे लेके पहन भी ली थी शायद, 9 टोटल, और भैया ने ली थी 1, 10 टोटल हम लोगों ने 10 ली, सब जगह से मिला के, एक ही जगह से नहीं ली थी, अलग अलग ली थी। जयपुर से तो शायद एक भी नहीं ली क्योंकि अच्छी नहीं मिली थी, जबकि ये सोच के गए थे कि जयपुर की जूतियाँ सबसे अच्छी होती हैं, बट बोलूँ क्या ना, अंटे शंटे दाम लगा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता। फिर हम लोग जयपुर से सीकर आए, जब गए खाटू श्याम जी के दर्शन करने ना, वहां पे हम लोगों को बहुत अच्छी मिली और रीजनेबल मिली, तो वहां से हम लोगों ने 2, इसने 2 मैंने 4 ली, भैया ने वहां से नहीं ली थी, भैया ने ली है आमेर फोर्ट जब पहुंचे, वहां पे कुछ 2 या 4 बस जूतियों की शॉप थी एक साथ लगी हुई थी, तो सबको पहले हम लोगों ने देख लिया कि किसके पास कौन सी है क्या है। तो मैंने वो फिरोजी वाली जो ब्लू कलर की जो मैं कल पहनने वाली हूँ, वो कल नहीं पहनूंगी, कल परसों पहनूंगी, जिस दिन मतलब मैच करेगा, तो वो फिरोजा वाली मैंने ली थी वहां से, मतलब देखने में इतनी सुंदर लग रही थी ना, अलग से वो चमक रही थी, वाइट ब्लैक ब्राउन तो सब पहनते, फिरोजी एकदम से जब देखा ना, पहले तो मैंने सोचा यार ये किसी के में मतलब किसी के संग मैच नहीं करेगी, क्या करूंगी लेके, लेकिन फिर मेरा कहना ले लेती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो अभी फिर एक कुर्ती भी मैंने खरीदी है जारा से, तो वो कुर्ती क्या ड्रेस है, बट मैं उसे कुर्ती कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि वो इतनी शॉर्ट ड्रेस है मैं पहनती नहीं हूँ, तो मुझे लेगिंग के संग पहनना पड़ेगा, तो मैं उसे कुर्ती इसलिए बोल रही हूँ, बट है वो जारा, क्योंकि जारा में आप लोग कहोगे कुर्ती कहाँ मिलती है, बट वो है शॉर्ट ड्रेस, लेकिन भैया साथ में रहते हैं, वो रहते हैं मंदिर धाम वगैरह जगह पे जाओ, काम पे जाओ, तो ये शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस तो नहीं पहन सकते ना, तो मैं नीचे लेगिंग पहनूंगी, वो हो जाएगी कुर्ती, क्योंकि वो फ्रॉक जैसी है, बलून जैसी है, तो जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। वो उसमें एक ब्लू कलर की एक ड्रेस है, तो वो जब पहनूंगी ना तो फिरोजा वाली जूती पहनूंगी, आपको फुल लुक दिखाऊंगी। वेट करो, व्लॉग से बने रहो, अब ये बनारस का ट्रिप चला है तो इसकी सीरीज चलेगी, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो बाकी मिलती हूँ आप लोगों से कल, खाना खा लूँ, फिर मेरा लाइव का भी टाइम हो रहा है, पैकिंग हो ही गई है, डन ही है, सुबह सुबह वाला आइटम बस थोड़ा बहुत है। मिलती हूँ सुबह, जल्दी उठना भी है क्योंकि 6 बजे निकल जाना है, तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय करो मेरे व्लॉग्स को, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।